दोस्तों, मेरा नाम है ऑटोफोकस का, आप मेरे चैनल देख रहे हैं टेक्स। आज हम जानेंगे जो मोटोरोला P30 के ऊपर जानने वाले दोस्तों, उसका स्पेसिफिक फीचर्स, उसका लॉन्चिंग डेट और उसका MRP क्या हो सकता है, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि मेरी लड़ी सारी वीडियो आपको स्पेशली पहुँचने के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। हम लोग पहले उसका स्पेसिफिक फीचर जानेंगे, उसके बाद उसका MRP, उसके बाद उसका लॉन्चिंग डेट जानेंगे। चलिए दोस्तों, पहले उसका स्पेसिफिक फीचर्स, पहले उसका डिस्प्ले। दोस्तों, उसका स्क्रीन साइज बताया जा रहा है 6.2 इंच होगा। स्क्रीन का रेजोल्यूशन होगा 1080x2246 पिक्सल बताया जा रहा है। उसका जो एक्सपेक्ट रेशियो होगा 19:9 होगा। उसका जो बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, नॉच वाला डिस्प्ले होगा। उसका जो पिक्सल का डेंसिटी बताया जा रहा होगा 402 PPI, मतलब पिक्सल पर इंच होगा। उसके जो डिस्प्ले का टाइप होगा दोस्तों, IPS LCD स्क्रीन बताया जा रहा है। उसके बाद अगर जान लेते हैं इसका स्क्रीन का प्रोटेक्शन दोस्तों, उसका स्क्रीन का प्रोटेक्शन बताया जाएगा होगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास होगा दोस्तों, बट कौन सा टाइप का होगा अभी तक मालूम नहीं चला दोस्तों। उसके बाद अगर जान लेते हैं उसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोस्तों, उसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बताया जाएगा होगा 81.82% बताया जा रहा है दोस्तों होगा। उसके बाद अगर जान लेते हैं उसका परफॉर्मेंस दोस्तों, उसका जो चिपसेट बताया जाएगा होगा दोस्तों स्नैपड्रैगन 636 होगा। उसका जो प्रोसेसर क्लॉक बेस्ड किया गया ऑक्टा कोर 1.8 GHz क्वाड कोर क्यूरो 260 प्लस 1.6 GHz क्वाड कोर क्यूरो 260 बताया जा रहा होगा दोस्तों। ये दोस्तों इसका जो प्रोसेसर क्लॉक बेस्ड किया गया है दोस्तों, इसका जो आर्किटेक्चर बीट होगा 64 बीट। इसका GPU मतलब उसका ग्राफिक्स कार्ड जो बोलते हैं वो होगा दोस्तों एंड्रेनो 509 होगा। उसका जो RAM बताया जाएगा होगा 6GB RAM होगा। उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम बताया जाएगा होगा दोस्तों, जो बताया जाए कि एंड्रॉइड 8.0, मतलब एंड्रॉइड ओरियो आपको ऑटोफोकस जरूर देखने को मिलेगा बताया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद अगर जान लेते हैं उसका स्टोरेज दोस्तों, उसकी इंटरनल स्टोरेज बताया जाएगा होगा 64GB इंटरनल होगा। आप उसकी एक्सपेंड भी कर सकते हैं दोस्तों 256GB तक दोस्तों। इसमें आपको USB OTG का भी सपोर्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है दोस्तों इस फोन पर है दोस्तों। और एक चीज़ जान लेते, इसमें आपको ड्यूल सिम का भी सपोर्ट है, बट इसमें आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा। मैं फिर से बता दूं, इसमें आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा, मतलब आपको दो नैनो सिम लगा सकते हैं, एक नैनो सिम एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर जान लेते हैं कैमरा दोस्तों, उसका रियर में होगा दो कैमरा देखने को मिलेगा, जो 16+5 MP डुअल प्राइमरी कैमरा, उसके साथ डुअल कलर LED फ्लैश देखने को मिलेगा बताया जा रहा है दोस्तों। इसका जो ऑटो फोकस बताया जाएगा होगा फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस होगा। इसका जो फिजिकल एपरेशन होगा f/1.8 होगा दोस्तों। उसके बाद जान लेते हैं उसका जो इमेज का रेजोल्यूशन दोस्तों, उसका जो इमेज का रेजोल्यूशन बताया जाएगा होगा 4616x3464 पिक्सल बताया जा रहा होगा। उसके बाद अगर जान लेते हैं उसका फ्रंट कैमरा दोस्तों, उसका फ्रंट कैमरा बताया जाएगा होगा 12 MP फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। उसका जो फिजिकल एपरेशन होगा f/2.0 होगा दोस्तों बताया जा रहा है। जान लेते हैं उसका बैटरी दोस्तों, उसका बैटरी बताया जाएगा 3000mAh का बैटरी होगा। बैटरी का टाइप बताया जाएगा लिथियम आयन होगा दोस्तों बताया जा रहा है। उसके बाद अगर जान लेते हैं उसका क्विक चार्जिंग भी पता चलेगा होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब आपको जल्दी से भी चार्ज करके भी दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जान लेते हैं उसका मल्टीमीडिया दोस्तों, उसका जो मल्टीमीडिया पता चलेगा होगा लाउड स्पीकर ग्रिल जरूर देखने को मिलेगा। उसके जो ऑडियो जैक 3.5 mm का जैक ऑडियो जैक जरूर देखने को मिलेगा बताया जा रहा है। उसका जो बताया जाएगा कि फिंगरप्रिंट स्कैनर जरूर होगा दोस्तों, आपको बताया जाएगा कि फिंगरप्रिंट स्कैनर का पोजीशन बताया जाएगा होगा रियर में, मतलब आपको पीछे में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा बताया जा रहा है। और एक चीज जान लेते हैं उसका जो सेंसर दोस्तों, सभी टाइप को बेसिक सेंसर देखने को मिलेगा ये बताया जा रहा है दोस्तों, कोई भी सेंसर आपको मिसिंग देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। जान लेते हैं उसकी MRP दोस्तों, मतलब उसका प्राइस दोस्तों, इसका जो प्राइस बताया जाए होगा 21,390 रुपीज, मतलब अराउंड पकड़ के चले 21,400 रुपीज अराउंड होगा दोस्तों बताया जा रहा है। उसके बाद थोड़ा जान लेते हैं उसका लॉन्चिंग डेट दोस्तों, इसका लॉन्चिंग डेट बताया जा रहा होगा 15 मई 2019 को होगा, मतलब आपको 15 मई 2019 को आपको लॉन्च हो सकता है बताया जा रहा है दोस्तों। इसका जो MRP और इसका जो लॉन्चिंग डेट है दोस्तों, ये दोनों दोस्तों एक्सपेक्टेड है दोस्तों। आज के लिए वीडियो इतना देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा। आज के लिए दोस्तों वीडियो इतना देखिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।